भगवान दस्त नहीं है, उनका अनंत नाम अनंत धाम, गॉड कहो अल्लाह कहो जो भी कहो सब वही एक बहुत कष्टदायक विषय है। देखो मुसलमान उनका कुरान एक ही कुरान, उनको कुरान ही उनका धर्म ग्रंथ है, कितना श्रद्धा कितना भक्ति अध्ययन करते हैं जानते हैं धर्म के प्रति उतना उनकी कितना आदर बुद्धि। क्रिश्चियन देखो उनका बाइबल है, बाइबल अध्ययन करते हैं कितना आदर बुद्धि से बाइबल अध्ययन करते हैं, चर्च में जाते हैं। हमारा है सनातन धर्म जो है ये अपने धर्म के प्रति कोई आदर बुद्धि नहीं, जानता ही नहीं है हमारे धर्म क्या है। अगर पूछा जाए जो तुम्हारा धर्म क्या है, हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म माने क्या है, तुम क्या आचरण माने क्या, हिंदू धर्म का परिभाषा क्या है, तुम्हारा धर्म का परिभाषा क्या है, लाखों में एक जन बोल नहीं पाएगा। हाँ बोलेगा पूजा करो पाठ करो ये करो ये करो भजन करो ये करो कुछ जो मन में आया कह देगा, लेकिन ना तुम्हारा शास्त्र में क्या कहा है, हमारा धर्म क्या है, किसको धर्म कहते हैं, सनातन धर्म किसे कहते हैं। हिंदू धर्म माने सनातन धर्म। प्रसंग क्रम में हम थोड़ा उल्लेख कर रहे हैं, हमारे धर्म जो है हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू तो सिंधु प्रदेश में सिंधु सभ्यता जब विस्तार हुआ है, पंच नदी देश इरावती चंद्रभागा शतद्रु सिंधु आदि जो पंच महादेश वहां पर पहले सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ है, तो वहां का जो सभ्यता उसको कहते हैं सनातन धर्म, सनातन सभ्यता पहले था अभी है पीछे भी रहेगा। तो वो सिंधु प्रदेश के सभ्यता के कारण सिंधु सभ्यता सिंधु शब्द का अपभ्रंश हुआ हिंदू हिंदू सभ्यता। वास्तव में हमारा धर्म का नाम है सनातन धर्म, हिंदू धर्म नहीं। सिंधु प्रदेश की वहां से सभ्यता विस्तार के कारण हम लोग कहते हैं हिंदू सभ्यता हिंदू हिंदू धर्म। वास्तव में जो सनातन धर्म ये विश्व मानव धर्म, विश्व मानव जाति के लिए धर्म। ये धर्म क्या है, इसका परिभाषा क्या है, मनु संहिता में कहते हैं अहिंसा सत्यम अस्त्यम सोचम संयम एवच एतत् समस्तं धर्मस्य पंच लक्षणम्। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम, अहिंसा सत्य शौचम अस्त्यम संयमम संयम, इसका व्याख्या हम लोग किए हैं, फिर अगले समय मिलेगा और विस्तारित तो आलोचना करेंगे। ये जो पालन करते हैं वो है धार्मिक, वो सनातन धर्मी है, ऐसा है ना। लेकिन बहुत जानते ही नहीं है, जानते हैं जो मूर्ति पूजा देव पूजा नाना प्रकार देवताओं की पूजा इसको हिंदू धर्म कहते हैं। वास्तविक ये हिंदू धर्म का एक पार्ट है, वास्तविक हिंदू धर्म नहीं। हिंदू धर्म का ही उपासना का एक पद्धति विशेष, एक पद्धति। कोई कोई देवता में भक्तिमान है, कोई कोई देवता में भक्तिमान। भगवान अनंत है, उनका अनंत रूप अनंत नाम अनंत धाम अनंत लीला जिसका जो पसंद आता है उस अपने श्रद्धा अनुसार वो भजन करते हैं। लेकिन मूल जो धर्म का जो फाउंडेशन है वो पांच है, अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम, ये जिनमें है वो धार्मिक है ना। अगर कोई मंदिर जाता नहीं है लेकिन ये पांच जो है ये आचरण करते हैं उसको धार्मिक कहा जाएगा। और उपासना तो भगवत उपासना, हमारा भगवान एक है अनंत है विभु है, उनका ही सब विस्तार है। हमारे भगवान छोड़ के आश्रा और दूसरा कोई भगवान है ही नहीं, भगवान एक जन है, भगवान दस नहीं है। उनका अनंत नाम अनंत धाम, गॉड कहो अल्लाह कहो जो भी कहो सब वही एक ही जन है, उनका ही अलग अलग नाम। मान लो पांच बच्चा खेल रहे हैं और पांच बच्चा आपस में झगड़ा कर रहे हैं, कहते हैं जानते हो हमारा मामा जो है ना वो मुंबई रहता है, वो इतना विद्वान इतना पैसा वाला इतना धनी इतना सुंदर दिखने में, और एक दिन अरे तू क्या जानता है हमारे जो ताऊ है ना वो तू तो उसको देखा नहीं है, अरे उसके बराबर विद्वान उसके बराबर ज्ञानी उसके बराबर पैसा वाला उसके बराबर शक्तिमान तो कोई है ही नहीं, अरे तेरा ताऊ क्या है, हमारे जो चाचा है ना वो उसको तो तू लोग जानता ही नहीं है, वो तो अरे उनके बराबर तो कोई है ही नहीं, इतना पैसा वाला इतना विद्वान इतना ज्ञानी इतना धनवान इतना शक्तिमान उनका तो जगत सब कोई जानते हैं, तू जानता नहीं है। अरे आपस में झगड़ा, वो कहते मेरा ताऊ बड़ा है, वो कहते मेरा चाचा बड़ा है, वो कहते मेरा मामा बड़ा है। बस में व्यक्ति है एक जन, इसका ताऊ लगता है उसका मामा लगता है उसका चाचा लगता है, एक ही जन व्यक्ति है। आपस में झगड़ा हो रहा व्यक्ति है एक जन,
ऐसे ही है मामला। ये जो धर्म के अंदर जो कलह है, ये महान अज्ञानता, वास्तव में जो धर्म संबंध में कुछ जानते नहीं है, वो ऐसे झगड़ा करते हैं, हमारे धर्म ऐसा है, तुम्हारा धर्म ही नहीं है, धर्म जानते ही नहीं हो किसको कहते हो धर्म, जहाँ हिंसा भरा हुआ है तुम्हारे दिल में और तुम धर्म कहते हो, हिंसा तो पशु धर्म होता है, जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं होता है, जहाँ धर्म है वहाँ हिंसा नहीं होती है, दोनों एक साथ नहीं रहता है, हिंसा पशु प्रवृत्ति, जहाँ मारो काटो खाओ और उसको धर्म कहते हो, ये तो पशु प्रवृत्ति है, जहाँ धर्म है वहाँ हिंसा थोड़ी रहता है, ये तो व्यापक है और एक ही जन है भगवान, से तुम कुछ भी कहो, दस नहीं होता है, इनके लिए सृष्टिकर्ता अलग, तुम्हारे सृष्टिकर्ता अलग, ऐसा तो नहीं होता है। हमारे गीता कहते हैं मत्त परतरंग नान्यत किंचित् धनंजय मोहि सर्वमिदं प्रत्यं सूत्र मणिगणैव, मत्त परतरंग नान्यत, हमसे परे और कोई है ही नहीं, कुछ हमसे परे और कोई तत्व है नहीं, तो बिना मतलब जानते नहीं अज्ञानी आपस में झगड़ा करते हैं, कला करते हैं अपने लो, इसीलिए धर्म संबंध में कुछ जानना चाहिए, वो है हमारा सनातन धर्म। सनातन शब्द का माने है पहले था अभी है पीछे रहेगा, ये भगवान से आया है, भगवान का ही शिष्ट ये धर्म है, इसलिए सनातन धर्म कहते हैं। ये सनातन धर्म ही इसे कोई कहते हैं हिंदू धर्म, है ना, हमारे ऐसे हिंदू धर्म है, तो जानना चाहिए हमारे धर्म संबंध में, थोड़ा जानना चाहिए, लेकिन कोई आग्रह नहीं, ना घर में कोई शिक्षा देते हैं, ना बालक को बच्चा को कोई शिक्षा देते हैं, ना घर के परिवार के किसी को शिक्षा देते हैं, ना स्कूल कॉलेज में हमारी ये शिक्षा मिलती है, ना कहीं समाज जीवन में हमारी ये शिक्षा मिलती है, धर्म संबंध कोई आदर नहीं, बुद्धि नहीं, और हमारे भीतर ऐसा सब आ गया है, सेकुलर कहती है, सेकुलरवादी हमारे लिए तो विघातक होगी, हमारे सनातन धर्म अवलंबी के लिए एक वायरस बन गया है सेकुलर, ये सेकुलर कोई धर्म नहीं है, है हिंदू सनातन धर्मी, लेकिन वो लोग अपने को सेकुलर कहते हैं, सेकुलर माने ये जानता ही नहीं है धर्म क्या है, सब अपने अपने धर्म के प्रति आदर बुद्धि करते हैं, इस्लाम धर्म अवलंबी, देखो कितना सुंदर धर्म के प्रति, एक शब्द में सब लाख इकट्ठा हो जाएंगे, हमारा ऐसा भावना है नहीं, जानते ही नहीं, जानने के लिए आग्रह नहीं, कोशिश भी नहीं, कोई बोलने से भी उनके प्रति आदर बुद्धि नहीं है, कोई धर्म आचरण करते हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, और हम कहते हैं हम सेकुलर और अपने को गर्व मानते हैं, ये हमारे लिए ये समाज हमारे हिंदू समाज के लिए हमारे सनातन धर्म के लिए विघातक हो रहा है, ये विभेदपंथी पैदा हो रहा है। अरे धर्म को श्रद्धा करो, अरे धर्म को तो आदर करो, ये कोई बनावटी धर्म थोड़ी है, जहाँ धर्म नहीं है वहां तो अशुभ प्रवृत्ति रहता है, धर्म तो मनुष्य के लिए। आहा निद्रा भय मैथुन सामान्यम एतात पशुभीर नरानाम, धर्म ही तेषां अधिक विशेष, धर्म न हीना पशु भी समान, बोलते आहा निद्रा भय मैथुन, ये पशु में और मनुष्य में बराबर है, लेकिन धर्म ही तेषां अधिक विशेष, धर्म ही ये विशेषता है, क्यों, ये धर्म आचरण मनुष्य करता है, पशु नहीं कर सकता है, इसीलिए मनुष्य की श्रेष्ठता, मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है, इंद्रिय वृत्ति तुम्हारा प्रबल है, तुम बुद्धि दे दिया, ज्ञान दे दिया, और ये ज्ञान को तुम लगाते हो अधर्म के कारण, अधर्म में तुम युक्त कर देते हो, अधर्म के लिए तुम्हारा चेष्टा बुद्धि वृत्ति तुम्हारा ज्ञान सब कुछ लगाते हो, बोलते धर्म न ही ना पशु भी समाना, जो धर्माचरण नहीं करते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म को आदर नहीं करते, वो पशु से भी अधम है, पश्चाधम, पशु के समान है वो, पशु से भी अधम है, क्यों, मनुष्य में पशु से भी ज्यादा अवगुण है, अगर धर्माचरण नहीं करता है तो पशु में बहुत सारे अवगुण नहीं है जो मनुष्य में है, जैसे मान लो कौटिल्य, कुटिलता, भीतर में एक बाहर घुस, ये पशु में नहीं है, ईर्षा, छल, घमंड, ऐसे बहुत सारे अवगुण मनुष्य में है, परस्त्री कातरता, दूसरे का भला देख के जलन होना, इस अवगुण पशु में नहीं है, ये अवगुण मनुष्य में है, धर्म आचरण नहीं करने से वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, उसका विद्वत्ता, उसका ज्ञान,
वो सब अधर्म में लग जाता है और जाके बड़ा खतरनाक होता है, समाज के लिए, देश के लिए, जाति के लिए भयानक हो जाता है, विघातक हो जाता है। इस संबंध में फिर कभी समय मिलेगा आलोचना करेंगे। हमारे आज के आलोचना विषय जो चल रहा था, क्या करें, आ गया वो, इसीलिए थोड़ा सा प्रसंग क्रम में थोड़ा सा आलोचना कर रहे हैं। तो ऐसे ये धर्मियों भाव है, भगवत उपासना मनुष्य करते हैं, पशु नहीं करते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त हो करके जो भगवत उपासना नहीं करते हैं, वो मनुष्य कैसे मनुष्य है? उसके द्वारा ना अपना कल्याण, जगत का मंगल तो छोड़ दो, कल्याण तो छोड़ दो, वो अपना ही मंगल साधन करने में समर्थ है।